वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.1। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, पैरेलल है ये, और इनको पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू ये इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइंस को। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ए बी सी सी डी ए ये दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन ये जो एल और एम लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, एल इज पैरेलल टू एम। दूसरा P एंड Q, P इज पैरेलल टू Q, ये दोनों पेयर्स पैरेलल हैं। और टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, L पैरेलल M ले लेंगे हम। वी हैव L इज पैरेलल टू M और AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल L पैरेलल M, AC ट्रांसवर्सल, इसलिए ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हैं, तो ये इक्वल होंगे। देयरफॉर इस एंगल का नाम लिखेंगे हम BCA या ACB। BCA लिख देते हैं। देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम DAC भी लिख सकते हैं, CAD। तो जहां से देख के लिखेंगे वी सी ए डी ए सी लिखना पड़ेगा, डी ए सी, क्योंकि अगर हम इसको सी ए डी लिख देंगे तो फिर यहाँ ये जो अल्फाबेट्स हैं इन ट्राइंगल्स के जो लेटर्स हैं, तो ये फिर सीरियल वाइज नहीं आएंगे जिस ऑर्डर में हमें चाहिए इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ये है बी सी ए, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, जहाँ भी सेकेंड थर्ड फर्स्ट लेटर ये ऑर्डर में होने चाहिए, डी ए सी सेकेंड थर्ड फर्स्ट लेटर बनता है, ये हो गया। उसके बाद इसका नंबर हम 1 रखेंगे। आल्सो पी लाइन इज पैरेलल टू क्यू, ये है हमारी पी लाइन, ये है क्यू, एंड जहां भी ए सी ट्रांसवर्सल है इनका भी इज ट्रांसवर्सल तो ये P है ये Q है, तो ये एंगल, तो इसको डबल मार्किंग कर देते हैं, और ये एंगल ये Z बना रहे हैं, तो ये भी अल्टरनेट हैं, ये भी इक्वल हैं। इसका रीजन भी लिख देते हैं हम, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, और अल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो वी ए सी इसको बोल सकते हैं, जहाँ सी ए बी, अगर हम इसको बी ए सी लिख दें, एंगल बी ए सी, वी ए सी सेकेंड फर्स्ट और थर्ड लेटर, तो जहां सेकेंड फर्स्ट और थर्ड बनेगा डी सी ए, एंगल डी सी ए, तो ये एंगल डी सी ए भी हम बोल सकते हैं, इसको ए सी डी भी बोल सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि अगर यहां हमने बी ए सी लिखा है तब इसको डी सी ए लिखना है, अगर हम यहां लिख देते सी ए बी फिर ए सी डी लिखना था। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों एंगल्स में लेटर्स का। ये आ जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका रीजन भी अल्टरनेट एंगल्स। और ये जो साइड है ए सी, ये ए बी सी में भी है और सी ए सी डी ए में भी है, एंड
इसका फर्स्ट और ये थर्ड लेटर से AC साइड बनती है. AC इस ट्राइंगल की AB, C ट्राइंगल की साइड है बराबर CA. फर्स्ट थर्ड AC और यहाँ फर्स्ट थर्ड CA. CA और AC एक ही है, ये कॉमन, इसका रीजन आएगा बिकॉज ये कॉमन है. तो ट्राइंगल ABC में ये वाला एंगल और ये वाला और AC इंक्लूडेड है, और इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये इंक्लूडेड. तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय ASA, क्योंकि ये जो AC है इक्वल एंगल्स के बीच में इंक्लूड है. तो इसलिए ASA क्राइटेरियन से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल CDA. तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है, हैंस प्रूफ. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइंस लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ये हमारा एंगल A है, इस पॉइंट पर एंगल A है, और ये लाइन L है, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को. जितना एंगल ये है PAB उतना ही एंगल QAB है. तो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A. ये जो BP और BQ ये परपेंडिकुलर्स है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हैं फ्रॉम B, इस पॉइंट से एक ही आर्म्स पर हैं ये BP और BQ. शो दैट ट्राइंगल APB, ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करनी है AQB के. और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी फिर BP, BP, BQ, तो ये CPCT होंगे. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो खाली हमें ये करना है फर्स्ट पार्ट प्रूव, ये अपने आप यहाँ से आ जाएगा. तो करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं. एक गिवन ये है कि L बाइसेक्टर है एंगल A का, तो इट मींस BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAP, तो BAQ लिखेंगे, BAQ, BAP इस एंगल का नाम बनता है और BAQ इस एंगल का, ये दोनों इक्वल, ये गिवन है. और ये वाला ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं. दूसरा गिवन ये है कि एंगल BPA, एंगल BPA बराबर एंगल BPA, यहां से BQA लिखेंगे, BQA, ये है हमारा BPA, ये है BQA, दोनों 90 डिग्री. तो ये दो गिवन हैं. और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे. फर्स्ट पार्ट में ये करना है ट्राई एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल AQB, और दूसरा BP इक्वल टू BQ. इसका मतलब ये है BP और BQ अगर इक्वल हो तो B जो है इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A. AP आर्म है एक और दूसरी AQ, इन दोनों आर्म्स से B इक्वी डिस्टेंट हो जाता है अगर ये इक्वल हो जाए. हमें यही करना है, R के बाद वाला पार्ट लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है. तो प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे हम जो हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQV. पहले इसका ये एंगल BAP इक्वल एंगल BAQ, BAQ आर्डर हम देख सकते हैं BAP, BAQ, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड लेटर यहां आ रहा है, ये आया फ्रॉम गिवन, गिवन में है. दूसरा ये एंगल भी गिवन है, एंगल BPA थर्ड सेकंड फर्स्ट इक्वल टू एंगल BQA थर्ड सेकंड फर्स्ट लेटर, और ये भी गिवन से आया फ्रॉम गिवन. ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है. और ये जो साइड है AP या BA, ये कॉमन है AP, AB, AB और यहाँ भी AB, AB, APB की साइड है ये वाली, और AB,
ए क्यू बी की भी है तो ये आ जाएगा कॉमन, ए बी बराबर ए बी लिखेंगे साइड के लिए और ये इक्वल क्योंकि ये ए की ही है ए बी तो कॉमन लिखेंगे। देयर फोर ट्राई एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल ए क्यू बी, तो दो एंगल और एक साइड इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। अगर ए पी और ए क्यू बराबर होते तब ये इंक्लूडेड साइड होनी थी, क्राइटेरियन बनना था ए एस ए, लेकिन एंगल ये और ये है और ये साइड ए बी इन दो एंगल्स के बीच में इंक्लूड नहीं है, इन दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड ए पी है। ए पी और ए क्यू अगर होता फिर बनना था ए एस ए और यहाँ बनेगा ए ए एस या एस ए ए, क्राइटेरियन आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट हुई बाई ए ए एस क्राइटेरियन। तो यही हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, हेंस प्रूव्ड। तो सेकंड पार्ट के लिए देयर फोर यहां से बीपी बराबर बी क्यू बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल्स हैं बीपी और बी क्यू, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसलिए जब हमने ये प्रूव किया तो ये हमें बाई सी पी सी टी मिल गया, हैंस प्रूव सेकेंड पार्ट एक ही स्टेप में प्रूव हो जाएगा हमारा। मैंने पहले भी बोला हुआ है दो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल्स हों उनमें छः सी पी सी टी बनते हैं, तीन एंगल्स होते हैं उन छः सी पी सी टी में से और तीन साइड्स होती हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फाइव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में करूँगा।